अर्जुन कपूर मल्टी स्टार फिल्म सिंघम अगेन में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे पहले भी वह आदित्य चोपड़ा की फिल्म में निगेटिव किरदार निभा चुका है। इस फिल्म के बाद वह हीरो की भूमिका में नजर आए, लेकिन अपनी एक्टिंग से लोगों को प्रभावित नहीं कर सके। अब वह फुल फॉर्म में खलनायक के अवतार में नजर आने वाले हैं। अर्जुन कपूर ने हाल ही में आदित्य चोपड़ा और रोहित शेट्टी का आभार जताया, क्योंकि इन दोनों बड़े मेकर्स ने उन पर भरोसा दिखाया। अर्जुन ने हाल ही में फिल्म से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया, जिसके बाद से वह सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इश्क जादे, औरंगजेब जैसी फिल्मों में निगेटिव किरदार निभाकर इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया और इतने सालों के बाद मैं यहां एक खलनायक की भूमिका निभा रहा हूं। रोहित शेट्टी ने अपनी महत्वाकांक्षी और बहुचर्चित कॉप यूनिवर्स फिल्म सिंघम अगेन में उन्हें खलनायक का भूमिका देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। अर्जुन कपूर ने आगे कहा कि आदित्य चोपड़ा और रोहित शेट्टी ये दोनों लोग मेरे फिल्मी करियर में सच्चे गुरु रहे हैं और मैं आभारी हूं कि रोहित शेट्टी जैसे हिट मशीन फिल्म निर्माता का मानना है कि मैं सिंघम अगेन में खलनायक की भूमिका निभाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता हूं। अर्जुन ने कहा कि मैं हमेशा से स्क्रीन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था और दर्शकों को कुछ अलग दिखाना चाहता था, इसलिए सिंघम अगेन में पुलिस के कट्टर दुश्मन की भूमिका निभाना मेरे लिए एक रोमांचक अवसर है। मुझे अपने करियर की शुरुआत में निगेटिव किरदार निभाकर बहुत प्यार मिला और मैं सिंघम अगेन के साथ भी वैसा ही और अधिक प्यार पाना चाहता हूँ। ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।